हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग चैप्टर 19 जो है एयर पोल्यूशन, और यू कैन से द पोल्यूशन ऑफ एयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एयर पोल्यूशन क्या है? तुम लोग जब भी रास्ते में चलते होंगे तो फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं हो या कार से निकलने वाली धुआं हो, बाइक से निकलने वाली धुआं हो, ये सभी अगर तुम इस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए रहते हो तो क्या होता है? तुमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है या तुमको तकलीफ होता है, सीधी बात में तकलीफ होता है, राइट? सो ये क्या है, तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि एयर में जिस इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, अगर उस इंग्रेडिएंट्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए या कोई अनवांटेड जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर एयर में आ जाए तो क्या होता है, वो फ्रेश एयर को डाटी बना देता है। इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है कि एयर पॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, किस किस चीज़ के लिए एयर पोल्यूशन होता है, कैसे होता है, और इस एयर पोल्यूशन के रिमेडी पाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दिन जितना दिन हम लोगों को जा रहा है उतना दिन हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो उसको उसका जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों को फैक्ट्रीज बनाना पड़ रहा है। फैक्ट्रीज अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है। उसमें जो ख़राब चीज़ है एयर के लिए वो निकलेगा, वो क्या करेगा, एयर को पल्यूटेंट करेगा या पल्यूट करेगा, ठीक है। तो इसकी बहुत चीज़ है, जैसे कि हम लोग जब भी हम लोग सिविलाइजेशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन डेंसिटी जो है वो भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी बढ़ रहा है। इसलिए ये चीज़ क्या करता है कि हमारा जो ह्यूमंस का जो एक्टिविटीज़ है उससे पॉल्यूशन होता है। एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, जो भी चीज़ है, क्योंकि एक फैक्ट्री जो है, जो हमारा जो कार है, ये अगर सब अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वो साउंड पोल्यूशन हो सकता है, किसी भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। सो ये एक मतलब कि पोल्यूशन कैसे होता है कि अरे एक ब्रॉड एरिया में अगर हम लोग सोचेंगे तो इसकी वजह से हम लोगों को पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो है कि पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन टर्म है दैट इज़ अ लैटिन वर्ड, ओके पोलोटिनियम, ओके विच मीन्स द टू मेक डाटी, एक लैटिन वर्ड है जो पोलोटिनियम है, उसका जो मीनिंग है दैट इज मीनिंग टू मेक डाटी, दैट मीन्स खराब करना, ओके सो डाटी करना, ओके सो दिस ये चीज का इसका जो इंग्लिश वर्ड है दैट इज अ पॉल्यूशन, ओके सो ये पॉल्यूशन उस लैटिन वर्ड से यहाँ पे आया है, हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे दो टर्म है देखो कि पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन, ओके। पॉल्यूटेंट मीन्स जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स अगर हम लोग तालाब के जो पानी है उसमें अगर हम लोग कुछ डाटी चीज उसमें फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, जो वाटर है वो पॉल्यूशन, वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो हम लोग फेंक रहे हैं दैट इज अ पॉल्यूटेड, दैट मीन्स उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो फेनोमेना है दैट इज नोन एज द पॉल्यूशन, ओके सो पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और वो जो फेनोमेना है उसको पॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द प्रेजेंस ऑफ मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस इन अनडिजायरेबल कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज पॉल्यूशन, दैट मीन्स हमारा जो नेचर में बहुत चीज़ है, बहुत वाटर में बहुत चीज़ है, एयर में भी बहुत चीज़ है, पर अगर उसका जो क्वांटिटी है वो अनडिजायरेबल, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो क्या होगा कि पॉल्यूशन होगा। तो इस चैप्टर क्या है, इस चैप्टर दैट इज वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन द एयर पॉल्यूशन ओनली, ओके सो एयर पॉल्यूशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस गैसेस आर नाइट्रोजन जो कि है 78% एंड ऑक्सीजन जो कि है 21%, ओके। अदर्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, हीलियम, ओजोन एंड वाटर वेपर्स, ये भी एयर में जो है वो मौजूद है, ठीक है। द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर बाई अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस हैविंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन, दैट मीन्स इस एयर में जितना जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को अगर हम लोग किसी भी कारण अगर बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, ओके वो इंक्रीज करने की वजह से लिविंग और नॉन लिविंग जो क्रिएचर्स हैं उसमें अगर हार्मफुल इफेक्ट आए तो उसको क्या कहा जाता है कि एयर पॉल्यूशन, ओके।
और क्या कहते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, कि जो जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसे एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो एयर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि चिमनी और मोटर व्हीकल्स जो ये टू ऑब्जर्व द डिफरेंट डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ एयर इन इन एरियाज विद हैवी ट्रैफिक और मोर इंडस्ट्रीज इन रेसिडेंशियल एरियाज और इन और ए पार्क और इन ए लोकेलिटी। ठीक है, ये तुम लोग कर सकते हो कि कहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पे तुम लोगों को अच्छा लगता है रहना, पेड़ की मतलब पार्क में जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधे हैं, या फैक्ट्री के पास जो जहाँ पे कुछ भी पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ धुआं ही धुआं है। ऑब्वियसली पार्क में रहना पसंद करते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है, वहाँ पे हम लोगों को सांस लेने में बहुत मतलब सुकून मिलता है, पर जहाँ पे पॉल्यूशन है वहाँ पे हम लोगों को सांस लेने में भी मतलब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज चिमनी, मोटर व्हीकल्स। ओके, डू यू गेट बर्निंग सेंसेशन इन इन योर आईज और नोज। ओके, दैट मीन्स क्या है, ये जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे तुम लोग जब जब देख सकते हो कि तुम लोग फील कर सकते हो कि जो आँख में भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जलन होता है, कि एक बर्निंग सेंसेशन होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट इज द कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। हम लोग अभी जो मॉडर्न ट्रेंड है वो सभी क्या है रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सोलर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल जितना बर्न होगा उतना क्या होगा, एक अनवांटेड गैस निकलेगा, अनवांटेड सब्सटेंस निकलेगा जो एयर पॉल्यूशन करेगा। नेक्स्ट इज द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। जो जो अभी जो कार का जो मतलब रेगुलेशन है, 15 ईयर्स के बाद वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 15 ईयर्स के बाद कार को जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो चेक करता है कि उसमें जो उसका जो कंडीशन है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो फिर से उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है, अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो उस रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। ठीक है, तो ये रूल है, एक लॉ है, क्योंकि हम लोगों को एयर पोल्यूशन, जो किसी भी तरह का पोल्यूशन हम लोगों को कम करना है। यूज़ ऑफ सर्टन हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये बहुत ही मतलब हार्मफुल चीज़ है एयर के लिए, ये हम लोग को कम करना पड़ता है। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये सब चीज़ यूज़ होता है और कहाँ किस किस से एयर पोल्यूशन होता है, कि कैसे हम लोग उसे डिमिनी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द लेट अस नो अबाउट द बेसिक डिटेल्स अबाउट सम एयर पॉल्यूटेंट्स। जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है कि इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल की वजह से वो क्रिएट होता है। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। जो फ्यूल है वो अगर सही तरीके से बर्न नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोक्साइड जो CO है, हम कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं CO2, और कार्बन मोनोक्साइड क्या है CO, सो ये गैस पैदा होता है। गैस पैदा होने की वजह से बहुत मेजर एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड व्हेन इनहेल्ड पासेस थ्रू द लंग इनटू द ब्लड। जो हम लोग जब जहाँ पे हम लोग कार्बन मोनोक्साइड है जब हम लोग उसे सांस लेते हैं, जब वो हमारे नोज के थ्रू लंग के थ्रू ब्लड में जाता है, इट कम्बाइंस विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ वो कम्बाइन होकर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस कॉजेज सफोकेशन एंड अल्टीमेट डेथ। तो क्या होता है, वो जो कार्बन मोनोक्साइड जा रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके एक सब्सटेंस पैदा करता है, जो ऑक्सीजन, जो हमारा जो बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है वो उसमें वो मतलब ऑक्सीजन सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो सफोकेशन होगा, हम लोग सांस लेने में हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे सही तरीके से, और अल्टीमेटली डेथ होगा। ठीक है, तो समझ समझ सकते हो कि ये कार्बन मोनोक्साइड जो है ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए, दैट मीन्स लिविंग क्रिएचर्स के लिए। ये ह्यूमंस के लिए भी है, क्रिएचर्स के लिए भी है, सभी के लिए भी है। ओके, ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन एयर इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कॉजिंग द लीफ टू ड्रॉप। ओके, ये कार्बन मोनोक्साइड पेड़ पौधे के लिए भी हार्मफुल होता है, वो पेड़ पौधे में जो ग्रोथ होता है उसको रिड्यूस करवाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, उसका जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, इट इज़ वर्थवाइल टू नोट दैट
note here that another well-known gas, carbon dioxide, when present in excess also causes air pollution. ओके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ही एयर पोल्यूशन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही. ओके नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल्स. जब हम लोग ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल और गैसोलीन हम लोगों को बर्न होता है, जब किसी भी ऑटोमोबाइल में क्या होता है, जो फ्यूल है वो बर्न होकर एनर्जी पैदा करता है, उस एनर्जी की वजह से कार जो है, बाइक जो है वो चलता है. जब ये एनर्जी, वो जो फ्यूल जो है वो कंबशन होता है, जब जलता है तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, जो भी जो कि ऑल्सो इज अ वेरी हार्मफुल फॉर एयर. ओके हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एयर इज हार्मफुल टू प्लांट्स. प्लांट्स के भी के लिए भी बहुत खतरनाक है. ठीक है, इट्स रिजल्ट्स इन रिटार्डेशन ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज. जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज है पत्ते की मदद से होता है, वो इसमें हार्मफुल मतलब इफेक्ट होता है. ठीक है, इट रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स. हम लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है मेनली जो है एयर पोल्यूशन की वजह से, किसी ना किसी तरह हमारा लंग जो है उसको इफेक्ट होता है, बहुत इफेक्ट होता है. इसलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी हमारा लंग जो है वो इफेक्टेड होता है. दैट इज अ वेरी बैड हैबिट, और यू कैन से द बैड थिंग्स. ओके नेक्स्ट इज अ स्मॉग. स्मॉग जो है दो वर्ड के मदद से वो बनता है, एक है फॉग एंड अदर वन इज स्मोक. स्मोक और फॉग जब मिलता है तब बनता है कि स्मॉग. ओके In winter, a thick fog-like layer envelops the atmosphere. Okay, this layer is made up of smoke and fog. When smoke contains oxides of nitrogen combines with other air pollution and fog, it forms smoke. Okay, जब ये और नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स की मदद से ये जब स्मोक होता है जो मिलता है तो क्या होता है कि वो उसमें फॉग जमा होके उसमें स्मॉग बन जाता है. ठीक है, harmful effects of smog, it leads to decrease related to lung as such as bronchitis, asthma, okay, etc. It prevents the sunlight from reaching the earth. This affects the normal functioning of plant. That means ये क्या होता है, ये अर्थ के ऊपर हमारा जो धरती है उसके ऊपर जो मिट्टी है उसके ऊपर एक मतलब चादर की तरह वो बिछ जाता है. ठीक है, तो क्या होता है, जो ऊपर से सनलाइट आ रहा है वो उसको रेजिस्ट करता है. तो सनलाइट अगर नहीं आ पाए तो क्या होगा, पेड़ पौधे के लिए जो फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन क्रिएट होता है ना, तो ऑक्सीजन क्रिएट अगर कम हो जाए तो क्या होगा, उसका जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है 21% वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसमें भी एयर पॉल्यूशन है. नेक्स्ट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. ओके ये CFC देयर आर मोस्टली यूज इन रेफ्रिजरेंट्स ओके सॉल्वेंट्स एंड फोमिंग एजेंट्स. ये फोमिंग एजेंट्स क्या है, हम लोग जब सेविंग करते हैं तो एक जो सेलोन में क्या होता है कि एक फोम की तरह दे देते हैं. ठीक है, उसमें लगा के वो हम लोग सेलून सेव करते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हमारे स्किन के लिए भी है और एयर के लिए भी है, क्योंकि वो CFC गैस जो है वो पैदा करता है, और रेफ्रिजरेटर जो है वो भी CFC गैस पैदा करता है. ठीक है, तो ये सभी एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है. फ्रेंड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर दे डिकम्पोज अंडर द अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट. ओके अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में सनलाइट में क्या होता है, वो डिकम्पोज होके एक खतरनाक चीज़ जो ये जो यहाँ जो मिलता है वो बनाता है. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ CFC कॉजेज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाई डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन. ओके दिस रिजल्ट इन ओजोन लेयर जो है हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट ले को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ओजोन लेयर के जो उसमें छेद कर देता है. ओके दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन रीचिंग द अर्थ. ओके दिस कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डैमेज टू आई. अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो हमारे स्किन के लिए और आई के लिए बहुत ही खतरनाक है. नेक्स्ट इज द एसिड रेन. ओके नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. नॉर्मल जो रेन है वो थोड़ा एसिडिक है. ठीक है, वो थोड़ा एसिडिक है, पर उसके जो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर बढ़ जाए तो उसमें स्किन को बहुत मतलब वो हार्म इफेक्ट करता है. ठीक है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज्ड इन द एटमोस्फेयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर वेपर्स प्रेजेंट देयर. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही खतरनाक है.
ये जो हम लोग जो जो इतना देर तक जो पढ़ के आए हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशन, ये एमिशन अगर एटमोसफियर में बढ़ जाए तो क्या होगा, उसमें वो गैस मतलब एयर में प्रेजेंट रहेगा, वो गैस क्या होगा, अगर रेन वाटर के साथ वो मिल जाए तो क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये पैदा करेगा। तो रेन की मदद से वो एसिड हमारे ऊपर बरसेगा, तो दैट इज यू कैन से दैट एसिड पड़ रहा है रेन की जगह में, तो कितना खतरनाक है। दिस एसिड देन फॉल डाउन विद रेन मेकिंग इन एसिडिक, सच रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन। ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। स्टैचू स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम मार्बल एंड लाइम स्टोन गेट स्लोली कोरोटेड व्हेन रेन वाटर कॉन्टेंट्स एसिड फॉल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, जो हमारा स्टैचू है, जो ताजमहल जो है ना, वो एसिड रेन की वजह से इतना मतलब जो नुकसान हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग अभी देखेंगे। इसलिए जो ताजमहल की सराउंडिंग जो फैक्ट्रीज हैं, वो अगर ये गैस एमिशन किया जाए, मतलब उसको कहा गया है कि ये गैस एमिशन रिड्यूस करने के लिए, ये लॉ ही है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बोथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कैन डिसॉल्व मार्बल टू फॉर्म सॉल्ट्स, एसिड रेन हेंस कोरोटेड द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट। ओके, दिस फेनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्बल कैंसर। इस मार्बल कैंसर भी कहा जाता है कि जो भी स्टैचू है हमारा, जो एंशियंट स्टैचू है, जो एंटिक स्टैचू है, वो सभी इसमें इफेक्टेड होता है, ठीक है। द पोल्यूटेंट्स इन द इन एयर कैन दस कॉज डिसकलरिंग ऑफ व्हाइट मार्बल, ठीक है। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट स्लोली लूज देयर लास्टर व्हेन दे आर अफेक्टेड बाई एसिड रेन। ओके, एसिड रेन वॉशेस अवे द नंबर ऑफ एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल में जो एसेंशियल मिनरल होता है, वो भी वो एसिड रेन की वजह से खत्म हो जाता है। एसिड रेन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ, ओके, पर्टिकुलरली दैट इन लेक। जो पानी में जो क्रिएचर्स होते हैं, जो मछलियाँ होते हैं, जो मतलब एनिमल्स होते हैं, वो भी एसिड रेन की वजह से बहुत उसमें मतलब नुकसान होता है, ठीक है। एसिड रेन इज देयरफॉर क्वाइट हार्मफुल टू बोथ प्लांट एंड द एनिमल लाइफ, ओके, दोनों में ये बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बताया कि जो ताजमहल है, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्रेस द सीरियस कंसर्न ओवर द डैमेज बीइंग कॉज्ड टू द ताजमहल। इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड टू कीप द एयर इन द ताजमहल ट्रेपेजियम, ओके, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। ओके, इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द रीजियन टू यूज़ LPG एंड CNG एज फ्यूएल इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल। ओके, हम लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल बर्न होने से भी होने से क्या होता है कि एक हार्मफुल गैस निकलते हैं, तो अगर फॉसिल फ्यूल बर्न हम लोग कम कर देते हैं तो ये कंट्रोल हो सकता है। तो ये पूरा मैंडेटरी है ताजमहल के आसपास जितना इंडस्ट्री है सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, ये क्या है मैं जिस्ट करके बता देता हूँ कि ग्रीन हाउस एक ग्लास का हाउस है, मतलब ग्लास के आर्टिफिशियली ग्लास का एक बना हुआ एक घर बोल सकते हो तुम लोग। वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट आता है पर रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से क्या होता है कि ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगा सकते हैं जो टेम्परेचर उसके लिए चाहिए, तो आर्टिफिशियली हम लोग एक एटमोसफियर क्रिएट करके वहाँ पे पेड़ पौधे हम लोग ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। The name greenhouse is given to special glass house in which plants are grown. The plants growing in the soil inside the greenhouse receive the sun's radiation only through its glass wall. The temperature inside the greenhouse is higher than the temperature outside. This is because the rays entering from the glass wall get trapped there. वो बाहर नहीं जाता है, ठीक है? Greenhouse effect. Sun rays warms the earth's surface. A part of radiation falling on the earth is absorbed by it and the part of is reflected back into the atmosphere. Some gases like carbon dioxide, methane, water vapors, nitrogen oxide, chlorofluorocarbons have the capacity to trap the heat radiation that are reflected from the earth. That means kya hota hai? Sun hai, earth hai yahan pe, radiation aa raha hai, ray aa raha hai, heat aa raha hai, earth mein wo incident hua. अर्थ सरफेस जो है, मिट्टी जो है, वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया और जो बचा रहा वो एटमोसफियर में रिफ्लेक्ट कर दिया।
अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि गर्मी में कितना हम लोग को परेशान होता है, सिर्फ हम लोग को परेशान नहीं, सबको, सब चीज़ को उसमें इफेक्ट आता है कि हमारा जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। अगर ग्लेशियर मेल्ट होगा तो क्या होगा, जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो फ्लड का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे वो अर्थ को, मतलब जो पानी है वो अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैप, दिस गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, द रेडिएशन ट्रैप्ड बाई दिस गैसेस फर्दर वार्म द अर्थ, दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो वार्म होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस अगर हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं तो दैट इज हेल्पफुल, बट ये जो हार्मफुल गैसेस अगर जो अर्थ के ऊपर मतलब एक एनवेलप बना देता है तो क्या होता है कि वो जो हीट है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है, इसके लिए दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट। ओके, द नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गिवन टू दिस फेनोमेना बिकॉज इट इज सिमिलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन ए ग्रीन हाउस। ओके, तो ये जो क्यों नाम दिया गया है इसे, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस का जो जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज हो रहा है और जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफियर। ओके, क्या किस किस वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन एयर में बढ़ रहा है, ठीक है। कोल एंड वुड व्हेन बर्नड एज डोमेस्टिक फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। थर्मल पावर प्लांट यूज द हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू द बर्निंग ऑफ कोल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, दिस लीड्स टू इनॉर्मस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज इन टू द एटमोस्फियर। ओके, दैट मीन्स कोल वुड अगर हम लोग बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो भी ग्रीन हाउस गैस है। पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल बर्न होकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओके, इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन कॉजेस इम्बैलेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या पेड़ हम लोग काट दे रहे हैं, हम लोग घर बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन, पेड़ क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना कम हो गया तो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ का होता है, पेड़ उसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पेड़ नहीं है तो क्या, कौन उसे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब नहीं, कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इम्बेलेंस हो रहा है, ठीक है। With fewer plants, consumption of carbon dioxide decreases, hence reduce the quantity of oxygen gets released back. Okay, इसलिए greenhouse जो गैस है वो increase हो रहा है। Consequence of greenhouse effect, global warming. क्यों? क्योंकि heat है, आ रहा है धरती में, वो reflect back नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम लोगों को मान लो कि ये heater है, तुम्हारे पास वो हीट तुम्हारे शरीर में वो आ रहा है, पर अगर हीटर हम लोग उस टाइम पे बंद नहीं करते तो क्या होगा, स्किन जल जाएगा ना, तो इसलिए वो भी सेम है। तो ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज, अर्थ एटमोसफियर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। क्यों बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, हीट, सन से हीट आ रहा है पर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। Likely consequence of global warming, glacier will melt at a higher rate and this will lead to the rise in the sea level resulting in floods, jo maine kaha ki, and losses of soil. Okay, warming of atmosphere often leads to the forest fire. Hum log jab dekhte forest mein achanak automatically fire jal jata hai, kyun, kyunki temperature zyada hai, agar usme matlab koi hawa chale जोर से तो क्या होगा, जो जो ट्री है उसमें क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज एक सर्टन टेम्परेचर के बाद वो मतलब फायर हो जाएगा, ठीक है। मेजर्स टू चेक द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। ए नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव दिस। ओके, क्या क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं उसको ये करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए। The use of fossil fuels such as wood, coal, petrol, etc. should be minimized.
तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हाइडल पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, सोलर पीवी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। सोलर कार यूज़ कर सकते हैं, सोलर टू व्हीलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर से भी हम लोग बना सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप, ये तो एकदम मतलब पेड़ काटना, पेड़ डिफॉरेस्टेशन इज अ क्राइम nowadays, deforestation is a crime, okay. More trees should be planted, और जब हम देख सकते हैं कि तुम्हारे लोकेलिटी में बहुत सारे एनजीओ है जो इसके ऊपर काम कर रहा है कि कैसे ये जो प्लांटेशन जो है ये हम लोग कर सकते हैं। हमारा कॉलेज में जो है वो ट्री प्लांटेशन एक मतलब उसमें अगर तुम लोग करोगे, अगर तुम लोग कॉलेज में जाओगे तो ट्री प्लांटेशन एक मतलब एक्टिविटीज ही है, वो करोगे तो पॉइंट्स भी मिलता है। इसलिए ये सब हम लोग मतलब गवर्नमेंट भी इसे इनकरेज कर रहे हैं कि प्लांटेशन किया जाए, डिफॉरेस्टेशन बंद हो, ओके। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मस्ट बी रिड्यूस्ड, ओके। यहाँ पे एक चार्ट है, देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ये सन यहाँ पे आ रहा है रे, पर इसकी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हीट है वो बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स है जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इज द मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो ये जो हम लोग देख सकते हैं कि ये पोल्यूशन का, किसी भी पोल्यूशन का बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, हमारा जो लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स के लिए, नॉन लिविंग किंगडम के लिए, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हार्मफुल है वो हम लोग देख चुके हैं। तो ये तो तय है कि पोल्यूशन किसी भी हाल में कम करना है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। इस चैप्टर में हम लोग एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मेथड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, ओके। यूज ऑफ स्मोकलेस चूल्हा, ओके, दैट इज क्या है, सोलर कुकर एंड बायोगैस इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल, ओके, फॉर कुकिंग पर्पस। यूज ऑफ अनलेवल्ड पेट्रोल इन व्हीकल्स, ओके, यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी instead of conventional sources of energy such as coal and petrol, जो हम लोग कहें, ठीक है। Sticking to pollution emissions norms from automobiles exhausted and continuous upgrading the relevant Euro standards, okay. Avoid burning of crackers, जो हम लोग crackers use करते हैं उसकी वजह से बहुत, जो हम लोग दिवाली में यूज़ करते हैं, जो हम लोग किसी भी दुर्गा पूजा में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। अभी तो जो साउंड क्रैकर्स है वो तो मतलब बैंड ही हो चुका है, क्योंकि उसकी वजह से वो जो साउंड लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है, पर मतलब ये यूज़ हम लोग करते हैं, पर ये मतलब बंद होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ही एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हम लोग मज़े के लिए करते हैं, पर दैट इज़ नॉट एक्चुअली राइट, ओके। एनीवे, अवॉइड माइनिंग ऑफ क्रैकर्स, दे कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो, ओके। Install tall chimney with filters in factories, locate them away from residential areas, जो factories है वो locality में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो pollution हो रहा है, pollution जो create होगा वो हमारे बहुत हार्म करेगा, ठीक है। Plant more trees, okay. Afforestation, deforestation का opposite क्या है, afforestation. So stop deforestation and do afforestation. Undertake more बनन लाइक प्रोग्राम्स, ओके, नॉर्मली सेलिब्रेट एवरी ईयर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, जुलाई में ये सेलिब्रेट होता है। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स, रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी बाय द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज एट वेरियस लोकेशंस, ओके। एयर जो हमारा एयर जो क्वालिटी है वो हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि एयर में वो चीज़ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। Avoid the burning of dry vegetable waste, okay. Collect it in a pit and make it composite. जो हम जो क्या करते हैं, जो कुछ वेस्ट मटेरियल हो, हम लोग एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी बैड, ओके। वो एक जगह इकट्ठा करो, प्लास्टिक जो है वो सेपरेट करके, जो 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 मतलब जो इको फ्रेंडली है वो एक जगह इकट्ठा करो, उसमें मतलब डिकम्पोजिट होने के लिए उसमें छोड़ दो, ठीक है। So these are some methods by which we can control the air pollution, okay. और तो main जो चीज़ है, deforestation हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को जो fossil fuel है उसका burning जो है वो कम करना है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। तो इसके लिए ये सब चीज़ जो है, ये अगर हम लोग करेंगे तो air pollution जो है वो हम लोग कम कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतने, आज हम लोग पूरा चैप्टर जो है वो खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग कर लेंगे, छोटा सा एक एक्सरसाइज है, ठीक है। So, and that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon.